हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं LIC लेने के ऐसे 5 फायदे जिनको जानने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे LIC लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ LIC के काफ़ी इंटरेस्टिंग 5 ऐसे पॉइंट जिनको कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये 5 बातें जानना ज़रूरी है LIC के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी में इंश्योरेंस लेना या फिर कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इंश्योरेंस करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, इंश्योरेंस लेने या फिर इन्वेस्ट करने के बाद में पता चलता है कि इसमें वो बेनिफिट नहीं है जो आपको चाहिए था या फिर इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए अच्छा साबित हो, तो फ्रेंड्स आपके जो पैसे हैं उसमें इन्वेस्ट करना या इंश्योरेंस करना वो बेकार हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, इंश्योरेंस या फिर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आप जिस कंपनी में कर रहे हैं वो करना सही है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ LIC से जुड़ी ऐसी 5 बातें जिसको कि अगर आप कहीं भी इंश्योरेंस करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार आप इन 5 बातों के बारे में ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको सबसे पहली बात बताती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि LIC अपने जो रिस्क कवर देता है उसके लिए ही जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि अगर आप लोग भी LIC में इंश्योरेंस लेते हैं, बीमा लेते हैं, तो फर्स्ट डे यानी कि पहले दिन से ही आपका जो रिस्क कवर है वो स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल होता है यानी कि अगर भगवान ना करे किसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो नॉर्मल अगर उसकी डेथ होती है तो उसको सम अश्योर जो होता है वो मिलता है, और अगर एक्सीडेंटल होती है तब उसको डबल मिलता है। तो फ्रेंड्स, LIC में उसको फर्स्ट डे से ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। ये काफ़ी प्लस पॉइंट है LIC के उन लोगों के लिए जो कि LIC में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर कहीं भी वो इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं, तो LIC में इंश्योरेंस लेना उनको काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अदर इंश्योरेंस की या फिर इन्वेस्टमेंट की, अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो आपको पता ही होगा कि इसमें कोई भी रिस्क कवर नहीं होता है। आप जो पैसा जमा करते हैं उसके बेस पे ही आपका जो पैसा है ग्रो करता है और आपको रिटर्न देता है। वो आपका पैसा ग्रो भी हो सकता है या फिर डाउन भी हो सकता है, इसकी मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स, LIC में आपको रिस्क कवर मिलता है जो कि आज के समय के व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका भी आप इंश्योरेंस लेते हैं, जैसे कि बाइक हो गई, कार हो गई, और आपका कोई भी आपका यानी कि कंपनी है उसका भी, कोई आपका गोडाउन है उसका इंश्योरेंस लेते हैं, दुकान है उसका इंश्योरेंस लेते हैं, तो आप अपनी लाइफ का भी इंश्योरेंस लेते हैं। और आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर देखिए कि आपको उसमें रिस्क कवर मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, आपको LIC में रिस्क कवर मिलता है, वो भी फर्स्ट डे से, पहले दिन से ही आपको रिस्क कवर मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको सिर्फ रिस्क कवर मिलता है, यानी कि अगर आपने 40 साल का टर्म इंश्योरेंस लिया है और अगर उन 40 सालों के दौरान आप एकदम सही सलामत रहते हैं, आप वो 40 साल सर्वाइव कर लेते हैं, तो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। जो आपने जमा किया था पैसा, आपको उसमें से भी कुछ रिटर्न नहीं होगा, वो आपका एंड हो जाता है पैसा। तो फ्रेंड्स, LIC की यही खासियत है कि इसमें आपको रिस्क कवर मिलता है जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, रिस्क कवर इसमें काफ़ी ज़्यादा एक प्लस पॉइंट होता है हमारे LIC की नज़रिए से देखा जाए तो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं तो आप LIC में इस जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस ले सकते हैं कि आपको फर्स्ट डे से ही रिस्क कवर मिलेगा, और अगर एक्सीडेंटल होता है किसी के साथ कुछ भी होता है तो वहाँ पर उसको फैमिली को नॉमिनी को डबल यहाँ पे दिया जाता है अमाउंट। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे अपने सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि इसमें आपको लोन
का ऑप्शन मिलता है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं या फिर अपने आपने अपनी गाड़ी ली और आपने उसको बैंक से फाइनेंस करवा लिया, किसी भी फाइनेंशियल बैंक से उसको फाइनेंस करवा लिया, फ्रेंड्स फाइनेंस करवाने के बाद आपका क्या होता है, जो पेमेंट होता है वो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होता रहता है। लेकिन इनकेस अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपके पास पैसे नहीं है जिस रीज़न से आपने अपने अकाउंट में पैसे नहीं डाल पाए, तो क्या होता है कि जो आपका अमाउंट होता है वो बाउंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास नोटिस आने लगते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप बैंक से भी लोन लेते हैं तो इस पर आपको एक क्रेडिट स्कोर होता है वो होना चाहिए, सैलरी स्लिप होना चाहिए, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही आपको लोन मिलता है। फ्रेंड्स लोन मिलने के बाद भी आप पे एक लाइबिलिटी खड़ी हो जाती है, जिम्मेदारी खड़ी हो जाती है कि अगर आप बैंक का लोन नहीं दे पाते और इस बीच अगर आपको कुछ हो जाता है और बैंक का लोन आपने नहीं दे पाया तो काफ़ी सारा दिक्कतें आ जाती हैं फैमिली के लिए। तो फ्रेंड्स बैंक से लोन लेना में भी आपको काफ़ी सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड से तो आपको पता ही है कि कोई यहाँ पे लोन नहीं मिलता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं LIC की, तो इसमें आपको लोन का ऑप्शन मिलता है प्लस काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि लगभग 10.5% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है पर ईयर। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो मंथली का यहाँ पे आपका 1% भी नहीं पड़ा। इसके ऊपर से फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने LIC से लोन ले लेते हैं और अगर इनकेस आप अगर इंटरेस्ट नहीं दे पाते तो भी LIC कहता है कि कोई बात नहीं, आप नहीं दे पा रहे तो इट्स ओके, हम आपकी जो आपकी मेच्योरिटी आएगी उसमें से मैनेज कर लेंगे। इसके बाद आप अगर लोन का अमाउंट, आप लोन जो लोन का किस्त है, लोन की किस्त है वो भी नहीं दे पा रहे, तब भी LIC आपसे कोई भी आप पे बर्डन नहीं डालेगा। आप नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, आपको अपनी जो प्रीमियम है वो आप भरते रहिए और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। प्लस मान के चलते कि आपने ना तो अपना लोन का जो यहाँ पे ब्याज होता है वो भी नहीं भरा, इसके अलावा जो लोन की किस्त थी वो भी आपने नहीं भरी और आप प्रीमियम भी नहीं भर रहे, तो फ्रेंड्स अगर आपने सब कुछ बंद कर दिया तब भी LIC आपको डराएगा धमकाएगा नहीं, कोई भी आपसे आप पे नोटिस नहीं भेजेगा आपने जो भी पैसा जमा किया है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी आप LIC में पैसे जमा करते हैं उसका 70-80% आपको लोन के रूप में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोन नहीं भी देते सो डोंट वरी, आपका जो वहाँ पे पैसा होगा वहाँ से वो एडजस्ट हो जाएगा, आप पे कोई भी बर्डन नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स LIC लेने का एक दूसरा जो यहाँ पे प्लस पॉइंट है ये भी है कि अगर आप LIC में इंश्योरेंस लेते हैं तो आप लोन ले सकते हैं, लोन लेने के बाद आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं पे करना है, प्लस अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते तो आपकी मैच्योरिटी में से वो माइनस हो जाएगा, आपसे कोई भी बर्डन नहीं होगा, ना ही आपको कोई नोटिस आएगा और आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो परिवार को भी यहाँ पे कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी LIC की तरफ से। तो फ्रेंड्स LIC का दूसरा यहाँ पे प्लस पॉइंट यही है कि आप इसमें लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आपने अपने बच्चे की पॉलिसी लेने के लिए सोच रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आप अपने बच्चे की पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में और आप ले लेते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ अगर आप LIC में लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलता है। फ्रेंड्स LIC में अपने बच्चे की पॉलिसी लेने से आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है PWB राइडर का। फ्रेंड्स PWB राइडर का यहाँ पे मतलब यही होता है कि इनकेस अगर प्रपोजर यानी कि जो बच्चे की पॉलिसी को चलाने वाला है वो माता पिता या फिर उसका बड़ा भाई जो कि 18 से यानी कि वो बालिक है, बड़ा भाई बड़ी बहन अंकल आंटी कोई भी होगा वो प्रपोजर कहलाएगा जो कि बच्चे की पॉलिसी चलाएगा। फ्रेंड्स इन केस अगर प्रपोजर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो अगर हम देखते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो फ्रेंड्स अगर ऐसी कोई पॉलिसी है जिसमें कि बच्चे की ली गई है और ऐसा हो जाता है तो फ्रेंड्स कुछ केसेस में ऐसा भी होता है यानी कि कुछ स्कीम्स में ऐसा होता है कि वहीं पर पॉलिसी जो होती है बंद हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं LIC की, तो फ्रेंड्स LIC में बच्चे की पॉलिसी लेने पे भी आपको ये फ़ायदा है कि अगर प्रपोजर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और बच्चा अभी पॉलिसी नहीं दे सकता तो फ्रेंड्स यहाँ पे भविष्य के सारे प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं, बच्चों को यहाँ पे कोई भी प्रीमियम नहीं देना होता। तो फ्रेंड्स बड़ों के साथ साथ यहाँ पे बच्चों के भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है ऑप्शन। अगर बच्चे की आप पॉलिसी लेते हैं तो PWB राइडर के तहत भी अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके बच्चे पे कोई भी बर्डन नहीं आएगा पॉलिसी का और उसकी पॉलिसी चलती रहेगी, उसको कुछ भी पैसा नहीं देना होगा, मैच्योरिटी के बेनिफिट भी उसको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा तीसरा प्लस पॉइंट देखने के लिए मिलता है LIC के अंदर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है पॉलिसी लेने के लिए।
तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है LIC में अगर आप पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स चौथा पॉइंट है हमारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पांचवा पॉइंट उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो फ्रेंड्स चौथे पॉइंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो आपकी इसमें सबसे बड़ी बात सेविंग होती है। फ्रेंड्स अगर आप आज मान के चलते आपकी जो भी एज है, आपके बच्चे छोटे हैं, तो फ्रेंड्स आपने 20 साल 25 साल की अगर पॉलिसी लिया, अगर आपको 20-25 साल बाद 5-10 लाख रुपए मिल जाते हैं आपके बच्चे के भविष्य में, उसके आप पढ़ाई के लिए, उसकी हायर एजुकेशन के लिए, उसकी मैरिज के लिए, किसी भी पर्पज़ से आपके वो पैसे काम आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इन्वेस्ट नहीं करते, अगर आपका प्लान ही नहीं है इन्वेस्ट करने का, इंश्योरेंस करने का, तो ये एक प्लस पॉइंट है जो कि आपको प्रभावित कर सकता है। फ्रेंड्स अगर आप लोग भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनकी शादी के लिए, उनके पढ़ाई के लिए आप सोचते हैं, तो आप इंश्योरेंस ले सकते हैं LIC में। क्योंकि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सेविंग प्लस रिस्क कवर दोनों का कॉम्बो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपको म्यूचुअल फंड में आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता है, सिर्फ आप सेविंग उसमें कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस का उसमें सिर्फ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें आपकी इंश्योरेंस भी है प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, यानी कि आपकी सेविंग भी हो रही है। तो फ्रेंड्स आपको इसमें दोनों एलिमेंट एक साथ मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग पॉइंट है हमारे LIC के नज़रिए से। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ पांचवा और सबसे इंटरेस्टिंग हमारा पॉइंट, फ्रेंड्स LIC को सोवरेन गारंटी मिली हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि किसी भी अदर इंश्योरेंस कंपनी को नहीं मिली हुई है। तो फ्रेंड्स ये सोवरेन गारंटी क्या होती है? फ्रेंड्स सोवरेन गारंटी का मतलब है कि सरकार ये गारंटी देती है कि अगर इनकेस अगर LIC भविष्य में अगर उसके साथ डूब भी जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो जितने भी पॉलिसी धारक हैं पॉलिसी होल्डर का पैसा सेफ रहेगा और गवर्नमेंट उनका पैसा देगी। तो फ्रेंड्स किसी अदर कंपनी को, किसी अदर इंश्योरेंस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये गारंटी नहीं दे रखी है, किसी और कंपनी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी नहीं लेती, सिर्फ और सिर्फ LIC ऑफ इंडिया की गारंटी लेती है। फ्रेंड्स अगर आप लोग सोसाइटी में अपना पैसा जमा करते हैं तो उसका भी पता नहीं है, आज है कल नहीं है। इसके अलावा कमेटी देते हैं तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई लोग कमेटी लेके ही भाग जाते हैं या फिर कुछ उनका आता पता नहीं रहता है। इसके अलावा अगर आप अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही होगा कि बैंक भी कितना सेफ है, ये भी आपको ही पता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप लोग कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी सेफ देखना चाहिए कि आपका पैसा यहाँ पे सेफ है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स LIC एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका पैसा पूरी तरीके से सिक्योर है, क्योंकि इसकी गारंटी आपको देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसके तहत भी देखते हैं कि सोवरन गारंटी काफ़ी अच्छी चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है LIC में, तो फ्रेंड्स सोवरन गारंटी मिलती है जिसकी वजह से आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहने वाला है LIC के अंदर। तो फ्रेंड्स 20 साल 25 साल काफ़ी लंबा समय होता है, लंबी अवधि होती है। आप कहीं भी इतने समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डर रहेगा मन में, हाँ कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, लेकिन LIC में आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। तो आप LIC में सोवरन गारंटी को नज़र में रखते हुए भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये थे ऐसे ये पाँच पॉइंट जो कि आपको LIC में प्लान लेने के लिए अगर आप कहीं इंश्योरेंस करने जा रहे हैं तो आप इन पाँच अगर बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप एक अच्छा इंश्योरेंस अपने लिए चूज़ कर पाएंगे। प्लस अगर आप LIC में लेते हैं तो आपको ये पांचों के बेनिफिट मिलते हैं LIC में। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा वीडियो में कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। बाय फ्रेंड्स।